हेलो स्टूडेंट्स, मैं ममता मित्तल और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर थ्री परमाणु तथा अणु। तो पहले समझते हैं परमाणु का मीनिंग क्या होता है। आप सभी ने बिल्डिंग तो देखी ही होगी, तो बिल्डिंग किससे बनती है? कमरों से। कमरों के समूह को हम नाम क्या देते हैं? बिल्डिंग का। और कमरे किससे बन रहे होते हैं? दीवारों से। दीवारें किससे बन रही हैं? ईंटों से। तो अगर हम सुपोज करें कि इमारत को, बिल्डिंग को बनाने वाला स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, वो क्या आएगा? ईंट। ईंटों को क्रम वाइज लगाकर हमने बिल्डिंग को तैयार किया। तो इसी प्रकार से अगर किसी तत्व की बात करते हैं हम, लेट सपोज मेरे हाथ में ये है, चौक है। किससे बना होता है? वेल नोन है कि इसमें कैल्शियम होता है। आप सबको पता भी होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम चौक के अंदर, कैल्शियम किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? लाइक दिस। और नंबर ऑफ कैल्शियम के कण इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन कणों को नाम क्या दिया जाता है? परमाणु का। यदि हमने समझना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी चीज को बनाने वाला कौन होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है? परमाणु। तो ये जो कण इस चौक में प्रेजेंट हैं, बहुत ही संख्या में हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और इसका नाम क्या होता है? एटम, या फिर हम क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु के बारे में जो रिसर्च है वह बहुत पहले से चल रही थी। लगभग 500 ईसा पूर्व से ही इसके बारे में सोच विचार, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रेफर किए गए। हमारे भारतीय तथा ग्रीक फिलोसोफर पदार्थ की विभाज्यता के बारे में बहुत तरह के अपने अपने विचार पेश कर रहे थे। इनमें सबसे पहले आए महर्षि कन्नड़। महर्षि कन्नड़ के अनुसार कोई भी पदार्थ है, उसको तोड़ा जाएगा। अब पदार्थ को तोड़ेंगे तो क्या होगा? उसके छोटे टुकड़े बन जाएंगे। उसको और अधिक तोड़ो और तब तक तोड़ते रहो जब तक आपको ऐसा कण न मिल जाए जो बिल्कुल अविभाजित हो, मींस वो फर्दर टूटे नहीं। उस अविभाजित, उस सूक्ष्म कण को उनके द्वारा नाम दिया गया परमाणु का। इसके बाद आए एक और दार्शनिक जिनका नाम था पकुदा कात्यायन। उन्होंने इसको थोड़ा सा विस्तृत करके हमारे आगे पेश किया। उन्होंने टर्म क्या दी कि ये जो कण है ये इंडिविजुअल रूप में नहीं पाए जाते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मीन्स एक कण दूसरे कण से किसी न किसी तरह के बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा होता है, जिसके कारण हमारे पास पदार्थ के भिन्न रूप प्राप्त होते हैं। तो ये था इंडियन फिलोसोफर्स के द्वारा दिया गया पॉइंट ऑफ व्यू। नो डाउट वो परमाणु की कंसेप्ट के ऊपर पहुंचे, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंट नहीं दिया गया, सिर्फ विचारधारा रखी गई। वह इसी समय ही ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम था डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस, उन्होंने अपने सुझाव दिए। उनके अकॉर्डिंग भी वही टर्म थी जो हमारे पास महर्षि कन्नड़ के द्वारा दी गई थी कि किसी भी पदार्थ को लो, उसको विभाजित करते जाओ। जब आप उसको बार 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 विभाजित करते जाओगे, मीन्स तोड़ते जाओगे, तो अंत में एक ऐसी सीमा आ जाएगी कि कण विभाजित होना बंद कर देगा, और उस समय उस कण को नाम क्या दिया जाएगा? परमाणु। लेकिन ये वही टर्म जैसे हमारे इंडियन दार्शनिक के द्वारा दिया गया था कि एक विचारधारा है। इसके बारे में 18वीं शताब्दी तक
कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी। इसके बाद आए जॉन डाल्टन। ये आपने हिस्ट्री है जिसको याद रखना है कि किस तरह से परमाणु हमारे पास डिस्कवर हुआ। तो जॉन डाल्टन ने भी परमाणु उसी कण को कहा जिसे महर्षि कन्नड़ ने परमाणु कहा था, जिसे पकुदा कात्यायन ने परमाणु कहा था, जिसे डेमोक्रेटस या ल्यूसिपस के द्वारा परमाणु कहा गया था, मीन्स अविभाजित कण उसे परमाणु कहा गया। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और यह सिद्धांत दिया गया था 1808 में। तो यह सिद्धांत क्या था, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का पहला पॉइंट क्या कहता है कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है, कोई कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, एनीथिंग मीन्स अगर हम लिविंग विंग की भी बात कर रहे हैं तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो कोई भी पदार्थ जिसे आप कहते हो वह किससे बना हुआ है, परमाणु से। अगर मैं बात कर रही हूँ इस चौक की या किसी कॉपी की या किसी पेन की, तो उसके अंदर जो सूक्ष्मतम कण है मीन्स जब इसको ब्रेकअप किया जाएगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाएगा, उससे छोटे हिस्से किए जाएंगे, तो एंड में आप एक ऐसे कण पर पहुंच जाओगे जो फर्दर ब्रेकअप नहीं होता, अविभाजित कण होगा, उसे नाम क्या दिया गया, परमाणु का। तो डाल्टन का पॉइंट ऑफ व्यू वही है हमारे पास हमारे पहले भारतीय या फिर ग्रीक दार्शनिकों का था कि किसी भी पदार्थ, लेट कॉपी पेन किसी भी पदार्थ को आप ले रहे हो, वह सूक्ष्मतम कणों से बना होता है और उस कण का नाम क्या होता है, परमाणु। दूसरा पॉइंट, परमाणु अविभाजित सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। मीन्स रासायनिक अभिक्रिया क्या मीनिंग होता है, जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया मेंशन करते हो तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद। मीन्स एक रिएक्टेंट जो लेफ्ट साइड के ऊपर मेंशन किया जाता है और दूसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हो, लेट सपोज मैं रेफर कर दू C+O2, तो क्या प्रोडक्ट बनते समय कोई एक परमाणु नष्ट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर सिर्फ CO लिखा जाए, O2 ना लिखा जाए, इज इट पॉसिबल? आप अब तक बहुत तरह की अभिक्रियाएं कर चुके हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से मैच ना करते हो, कोई परमाणु मिसिंग हो या कोई न्यू परमाणु, मान लेते मैं यहाँ कह दू H रेफर कर दो, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं। तो यही हमारे पास डाल्टन साइंटिस्ट के द्वारा मेंशन किया गया कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो परमाणु सर्जित होता है और ना ही वह नष्ट होता है। तो यह था परमाणु सिद्धांत का दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि लेट सपोज यह हाइड्रोजन तत्व है और इसके अंदर जितने भी परमाणु प्रेजेंट है वो किसके होंगे, ऑब्वियस है हाइड्रोजन के। उनका शेप, उनका साइज, उनका मास, द्रव्यमान, वॉल्यूम, रासायनिक उनके गुणधर्म सब क्या होंगे, एक दूसरे से मैच करते होंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन। इसमें बाद में कुछ लिमिटेशंस पाई गई, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, डाल्टन के सिद्धांत को, तो उसके अकॉर्डिंगली एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु पाए जाते हैं वो इन ऑल रिस्पेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं। फोर्थ पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन का कंपैरिजन
किसी और तत्व के परमाणुओं से करते हैं, मींस लेट लिथियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरोन, वेल नोन है आपको ये तत्व। तो अगर इनसे कंपैरिजन किया जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये सभी परमाणु जो लिथियम के हैं वो एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे। यस, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारा पिछला पॉइंट था उसमें मेंशन किया गया। क्या ये सभी हाइड्रोजन से भी मैच करेंगे? तो आंसर क्या आएगा? नो। भिन्न भिन्न तत्वों के अंदर प्रेजेंट जो भी एटम्स होते हैं वे एक दूसरे से इन ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट होंगे। उनका साइज, उनकी शेप, उनकी रासायनिक गुणधर्म सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। वो किसी भी रिस्पेक्ट में एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। इट मीन्स अगर हम एक हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन तत्व के किसी परमाणु को ले लें और दूसरा ऑक्सीजन तत्व के परमाणु को लिया जाए और इन दोनों को मिलाकर हम किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, लेट H2O, ये हमने यौगिक का निर्माण करना है। तो निर्माण कैसे किया जाता है कि जो भी आप परमाणु लेते हो वह पूर्ण संख्या में लेते हो। मीन्स ऐसा नहीं होगा कि H2O लिखा है H1/2O2, H1.6O2, इस तरह से नहीं होगा। ऑलवेज जब भी एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे से जुड़ेंगे और वह पूर्ण संख्या होगी। ये कंपल्सरी कंडीशन है कि जब भी एटम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वह पूर्ण संख्या में एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा यौगिक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कहने का मीनिंग यह है कि अगर हम पानी की बात कर रहे हैं, मींस H2O, पानी, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैंने टैप वाटर लिया है और उसमें जो पानी का सूत्र है वह बन जाए H3O, या फिर समुन्द्र से ऑब्टेन किया है तो उसका सूत्र बन जाए HONO। अगर हम रेफर कर रहे हैं कि वह एक दिया हुआ यौगिक वाटर है तो उसमें प्रेजेंट जितने भी परमाणु होते हैं एक दूसरे के सापेक्ष उनकी जो संख्या होती है या यू कैन से जो उनका अनुपात होता है वह हमेशा फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। तो ये थे हमारे पास डाल्टन के द्वारा दिए गए परमाणु सिद्धांत के पॉइंट्स, जिसमें हमारे पास उन्होंने परमाणु के लिए काफी हमारी कंसेप्ट्स को क्लियर किया। तो जब डाल्टन के द्वारा 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया गया, उसी समय ही इन द स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी साइंटिस्ट व फिलोसफर्स में यह क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से तत्व एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और जब वो कंबाइन करते हैं तब क्या होता है। उसी समय एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनी एल लेवोसियर, उन्होंने रासायनिक संयोजन के बहुत ही इम्पोर्टेंट दो हमारे पास नियम दिए। अब हम स्टडी कर रहे हैं उनके द्वारा दिए गए फर्स्ट नियम को, जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम बहुत इजी है। यह हमारे पास दिया गया था एंटोनी एल लेवोसियर तथा जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा। तो परमाणु संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश होता है। इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स सपोज हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं, लेट्स C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? CO2। यदि आप
द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 12। हम इसको ग्राम से रिप्रेजेंट कर रही हैं। वैसे द्रव्यमान आप आगे पढ़ोगे, द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली amu या फिर ओनली यू टर्म को यूज किया जाता है। उसको हम फर्दर डिटेल में करेंगे। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वह 16 होता है। अब हमारे पास यह 2 times प्रेजेंट है तो इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो इन दोनों का मींस कार्बन तथा ऑक्सीजन जिसको हमने रिएक्टेंट रेफर किया है उसका टोटल द्रव्यमान हमारे पास कितना आ जाता है? दैट इज 12 + 32 मींस 44 ग्राम। क्लियर। और जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास बनी है कार्बन डाइऑक्साइड। C means 12 + O2 that is 32। तो यहाँ पर भी हमारे पास द्रव्यमान कितना ऑब्टेन हो रहा है? 44। यही हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है द्रव्यमान न तो बनेगा न ही नष्ट होगा। मीन्स कभी भी यह नहीं होगा कि आपके पास रिएक्टेंट 44 है और प्रोडक्ट आपके पास 40 आ जाए या 50 आ जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। ये हमारे पास इन साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया। हमारे पास एनसीईआरटी में एक प्रश्न इसके ऊपर बेस्ड है। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट तथा 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा दिखाएं कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। तो हमारे पास अभिक्रिया क्या दी गई है? सोडियम कार्बोनेट, वो कंबाइन कर रहा है एसिटिक अम्ल से, उनकी मात्रा भी हमारे पास दी गई है। तो यह है हमारे पास अभिकारक या कह लो रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का हमारे पास द्रव्यमान कितना आया है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स 5.3 + 6.0। तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा? 11.3 ग्राम। क्लियर। तो यह हमारे पास रिएक्टेंट का द्रव्यमान आया। उत्पाद या कह लो प्रोडक्ट हमारे पास क्या दिए गए हैं? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। इन तीनों की भी हमारे पास मात्रा दी गई है। अब हम प्रोडक्ट का द्रव्यमान पता करते हैं। तो हमारे पास 8.2, 2.2 and 0.9 दिया हुआ है। तो वह हमारे पास क्या जाएगा? दैट इज 11। तो 11.3 ग्राम। तो हमारे पास ऑब्टेन क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट का मास है, द्रव्यमान है, वही हमारे पास प्रोडक्ट का द्रव्यमान है। इट मीन्स यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। दूसरा हमारे पास जो नियम दिया गया वह था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम भी हमारे पास एंटोनी एल लेवोजियर के द्वारा ही दिया गया था। स्थिर अनुपात के नियम के अकॉर्डिंगली यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है और दिए गए यौगिक में तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। कौन सा अनुपात? उनके द्रव्यमान का अनुपात, चाहे यौगिक को आपने किसी भी सोर्स से प्राप्त किया हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम वाटर को लेते हैं। अब वाटर जो है हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम टैप वाटर ले सकते हैं, हम उसे कुएं से प्राप्त कर सकते हैं, तालाब से ला सकते हैं, झील से ला सकते हैं। मीन्स आप किसी भी सोर्स से वाटर ऑब्टेन कर सकते हो। बट अगर उसे वाटर कहा जाता है तो उसमें सदैव हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ये तत्व प्रेजेंट होंगी और ये एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में प्रेजेंट हो, और जो हमारे पास होता है 1:8।
तो हमारे पास व्हाटएवर द सोर्स ऑफ अ कंपाउंड दिया गया द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, इसी कारण इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हम सांस के द्वारा CO2 को बाहर निकालते हैं, कागज को जलाने से भी CO2 उत्पन्न होती है, CaCO3 इसकी बर्निंग करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, CaO एंड CO2। तो CO2 आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल रही है, लेकिन हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि CO2 को ऑब्टेन करने का सोर्स कोई भी हो, यदि हम दिए गए कंपाउंड को CO2 कहते हैं तो उसमें सदैव C तथा O मींस कार्बन तथा ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगी तथा उसका अनुपात कितना होगा, 3:8 मींस कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव आपको 3:8 मिलेगा। इसी प्रकार से ही अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 14:3 होता है। तो हमारे पास स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। अब तक जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या मेंशन किया कि यह किसी भी पदार्थ को बनाने वाली सूक्ष्मतम इकाई है, इतना छोटा होता है कि इसको हम नगण्य रेफर कर सकते हैं, मीन्स जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, मीन्स नगण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर हम इनके बारे में क्यों सोचते हैं, क्यों जानना चाहते हैं? बिकॉज जितने भी पदार्थ हैं इस वर्ल्ड में वो किससे बने हुए हैं, फ्रॉम द एटम, परमाणु से ही सभी पदार्थों का निर्माण हुआ है, इसीलिए हमें इसको जानने की इतनी क्यूरियोसिटी होती है। परमाणु का जो साइज होता है मींस जो परमाणु की त्रिज्या है उसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, एक नैनोमीटर 10^-9 मीटर के बराबर होती है। यदि हम सबसे छोटे परमाणु जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, यदि हम उसकी बात करते हैं तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10^-10 मीटर। इट मीन्स हाइड्रोजन की जो त्रिज्या है वह बहुत ही स्मॉल होती है, कि जल के अणु की जो त्रिज्या होती है वह होती है 10^-9। हीमोग्लोबिन अणु की त्रिज्या 10^-8 होती है। रेत के कण जिसे हम देख सकते हैं 10^-4 होती है। चींटी का जो साइज है वह होता है 10^-3 मीटर, और सेब का साइज या त्रिज्या जो होती है वह होती है 10^-1 मीटर। तो इट मींस क्या है कि दी गई तालिका में सबसे छोटा साइज हमारे पास किसका है, परमाणु का। तो परमाणु का जो साइज है वह बहुत 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 ही छोटा होता है। जा रहे हैं विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक मींस सिंबल। जॉन डाल्टन के द्वारा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के लिए सिंबल दिए गए जो एक तत्व की निश्चित मात्रा की ओर इशारा करती थी, मीन्स वह तत्व में प्रेजेंट एक परमाणु के लिए सिंबल अंकित किया गया। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास यह टेबल दिया गया है, इस टेबल में हमारे पास लेट हम कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर का नाम सी इसलिए रखा गया क्योंकि वह साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। साइप्रस वह स्थान है जहां पर कॉपर फर्स्ट टाइम ऑब्टेन किया गया। कुछ तत्वों के जो नाम थे वह उनके विशिष्ट रंग को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे जब हम बात करते हैं सोने की मीन्स गोल्ड, जिसको जी से हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसका जो जी शब्द है वह हमारे पास गोल्ड मीन्स पीले रंग को रिप्रेजेंट करता है।
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बर्जेलियस ने जो हमारे पास एट प्रेजेंट नेमिंग का सिस्टम है वो प्रोवाइड किया और इसी नियम को फर्दर सपोर्ट किया गया विद द IUPAC, जिसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा किसी तत्व को कौन सा सिंबल देना है वह डिसाइड किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम किसी भी तत्व के लिए हम क्या यूज करेंगे वैसे ही दो या फिर एक इंग्लिश का अल्फाबेट। जो फर्स्ट अल्फाबेट यूज किया जाता है वह हमेशा कैपिटल लेटर में रेफर करना है और जो सेकंड अल्फाबेट होता है वह स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करना होता है। तो IUPAC के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन को हम H सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम को रिप्रेजेंट किया जाता है HE से, क्योंकि अगर इसको भी H से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या फिर हीलियम से। तो इट मीन्स क्या है कि हमारे पास या तो फर्स्ट लेटर को यूज किया जाता है टू रेफर द सिंबल, या फिर हमारे पास फर्स्ट टू अल्फाबेट HE जैसे हमने यहाँ पर यूज किया, तो फर्स्ट टू लेटर्स को यूज किया जाता है किसी भी सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमेशा माइंड में रखना है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन मेंशन किए गए। नेक्स्ट सोडियम तो हम इस तरह से लिखते हैं, तो फिर इसके लिए Na टर्म क्यों यूज की गई? क्योंकि जो तत्वों की नेमिंग है वह सिर्फ इंग्लिश से ड्राइव नहीं की गई, उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेज को यूज किया गया, जैसे कि ग्रीक, यूनानी, लैटिन लैंग्वेज को यूज किया गया। तो सोडियम का अनदर लैंग्वेज में नेम होता है नेट्रियम, इसीलिए हम इसे Na सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम नेम में क्या स्पेशलिटी है कि हम मैग्नीशियम किस तरह से रिप्रेजेंट लिखते हैं? तो मैग्नीशियम में हमने फर्स्ट टू लेटर नहीं यूज किए, फर्स्ट लेटर और एनी अदर लेटर, यह भी हमारे पास रूल है कि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टू लेटर ही यूज करने हैं। हम फर्स्ट लेटर और एनी अदर लेटर को सिंबल के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, नेक्स्ट सल्फर ऑन द नंबर 16 होता है, क्लोरीन, आर्गन, नेक्स्ट इज पोटाशियम। अब ये भी नाम आप देख रहे हैं पोटाशियम, लेकिन मैंने लिखा क्या है के, बिकॉज ये केलियम शब्द से ऑब्टेन किया गया है जो कि लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। और 20th के ऊपर हमारे पास क्या होता है कैल्शियम। तो ये है अप टू 20 मैंने आपको ये सिंबल दिए हैं जिसको इजीली लेते हुए आपने याद करना है और जरूर याद करना है, बिकॉज ये केमिस्ट्री के बेसिक हैं जिसके द्वारा ही आप फर्दर केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। जैसा आपने जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया परमाणु सिद्धांत को अध्ययन किया तो उसमें बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारे पास स्थिर अनुपात के नियम को समझाया गया था। उसी से प्रेरित होकर डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा वर्किंग की गई कि डिफरेंट परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को कैलकुलेट करना बहुत ही टफ था। उन्होंने यौगिक के द्वारा परमाणु के द्रव्यमान को फाइंड आउट किया,
जैसे अगर हम सोचें कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या सूत्र होगा इसका? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हमारे पास द्रव्यमान का अनुपात 3:4 पाया गया। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन 3:4 प्रेजेंट है तो इट मींस यदि हम कार्बन को 1U सपोज कर लें, कार्बन के द्रव्यमान को 1U सपोज कर लें, तो कार्बन 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड को बना रही है। मींस कार्बन का द्रव्यमान हमारे पास 1U और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1.33U ऑब्टेन हुआ। तो हमने यौगिक से कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान को ऑब्टेन किया है। यहाँ पर यू का मीनिंग होता है यूनिफाइड द्रव्यमान। IUPAC के अकॉर्डिंगली परमाणु द्रव्यमान के लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट को इकाई के रूप में यूज किया गया। बाद में इसको यू से रिप्रेजेंट करना शुरू किया गया जिसका मीनिंग होता है यूनिफाइड द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई कौन कौन सी होती है? यू एज वेल एज AMU। शुरुआत में ऑक्सीजन को द्रव्यमान इकाई के रूप में उपयोग में लाया गया। कहने का मीनिंग है कि ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को एज ए परमाणु द्रव्यमान इकाई माना गया। ऑक्सीजन को परमाणु द्रव्यमान इकाई लेने के बहुत से रीजन थे, जैसे कि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, यह बहुत से एलिमेंट से रिएक्ट कर सकता है। सेकेंडली, ऑक्सीजन अगर परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में ली जाती है तो बहुत से परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वह पूर्ण संख्या के रूप में ऑब्टेन होता है, और हमारे साइंटिस्ट यही चाहते थे कि जो परमाणु द्रव्यमान है वह पूर्ण संख्या के रूप में हमें प्राप्त हो। कुछ लिमिटेशंस के कारण ऑक्सीजन को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में नहीं लिया गया। सन 1961 में कार्बन को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया गया और जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। उसी समय हमारे पास AMU के लिए क्या टर्म या क्या परिभाषा बनी? AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट, या यू कैन से परमाणु द्रव्यमान इकाई, 1/12 गुना कार्बन के एक परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान। और जो कार्बन लिया गया, जैसा कि आपको पता है कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं, समस्थानिक पाए जाते हैं, कार्बन 12, 13 और 14। तो यहाँ पर कौन से समस्थानिक को यूज किया गया? C12 को। तो इसको एज ए परमाणु द्रव्यमान इकाई लिया गया और डिफरेंट एलिमेंट के द्रव्यमान को फाइंड आउट किया गया। जैसे कि यदि हम मेंशन करते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 AMU है, या इसको सिंपली AMU को हम U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो 16 AMU का मीनिंग क्या है कि ऑक्सीजन जो है वह 1 AMU से 16 टाइम्स ग्रेटर है। दैट मीन्स ऑक्सीजन 16 टाइम्स ग्रेटर देन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 से गुना करने पर जो हमें प्राप्त होगी अमाउंट, उसको 16 टाइम जब करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऑब्टेन होगा। इसी प्रकार किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग का अनुपात द्वारा परिभाषित
किया जाता है। प्रकार हम अन्य तत्वों के द्रव्यमान को मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1U, हीलियम 4U, लिथियम 7U, बेरिलियम 9U, बोरोन 11U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, फ्लोरीन 19U, नियोन 20U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U एंड सो ऑन। आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स का द्रव्यमान ऑब्टेन हो सकता है। किसके द्वारा हम यह मेंशन कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन। कार्बन को एज ए परमाणु द्रव्यमान इकाई जब हम मानते हैं तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट का द्रव्यमान दिया गया है। ये थे हमारे पास रूल जिसके द्वारा हम परमाणु के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो परमाणु होता है वह स्वतंत्र रूप में बहुत कम पाया जाता है। परमाणु एक दूसरे के साथ जुड़कर तो अणु या फिर आयन की रचना करते हैं। आयन तथा अणु जो होते हैं वह बड़ी संख्या में एक दूसरे से जुड़कर पदार्थों का निर्माण करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि परमाणु के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे दो नियम जो थे, द्रव्यमान संरक्षण नियम तथा स्थिर अनुपात का नियम। इन्हें आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।